पर आज हम एक ऐसी चीज बनाने वाले हैं जिसको आपने सोचने की कल्पना भी की नहीं है। अरे यार ये कोई नहीं ना। तो आज का स्टोरीज, आज हम बनाने वाले हैं एक शुरिकेन। अगर फॉरन तो बोला जाता है कुनाई, और ये कुनाई बनाने वाले हैं आज, या बोल सकते और कहीं शुरिकेन बनाने वाले हैं। निंजा से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं ये सब, पता नहीं क्यों। इसे शायद बोलते हैं कि जापान में ज़्यादा फेमस है, पता नहीं, मुझे तो ऐसे सुनने में आया था। तो हम आज ये बनाने वाले हैं, दिखाता हूँ। ये देखो, और ये देखो, हम ऐसा बनाने वाले हैं, अच्छा लग रहा है ना। ये बूमरैंग की तरह जाता है, उड़ा सकते हो आप। देखो बहुत असली में तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसकी वो नोक जो होती है, इसकी पॉइंटर जो होता है बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। सो गाइस, आप तो देखोगे कि कैसा लग रहा है। और हम ये बता देंगे आपको क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए एक ग्लू चाहिए, ग्लू, और आपको चाहिए एक पेपर, हाफ पेपर चलेगा, स्क्वायर पेपर बना। देखो ये स्क्वायर पेपर चाहिए आपको, हमारे यही साइड करो। हाँ, अब आपको एक स्क्वायर पेपर चाहिए इसे बनाने के लिए। और तो वेट क्यों कर रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल, प्लीज़ गाइस, प्लीज़। मेरे बहुत कम व्यूज़ है और क्या करूँ। और चलो कोई नहीं, अब बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो बनाने से पहले हमें क्या करना है, जैसे एक इसको, ये स्क्वायर पेपर को रेक्टेंगल की तरफ फेस करना, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, एक डायमंड की शेप में एक करना है, फेस करना है, जैसे ऐसे ऐसे, जैसे काइट का फेस नहीं होता वैसे, इधर पॉइंटर पे। और अब आपको इधर से ये इधर फोल्ड कर देना, मैंने तो पहले से ही किए थे, आप कर देना। मतलब जैसे कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये है, और यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक एकदम अच्छे से फोल्ड होना चाहिए पेपर, ठीक है, तभी बनेगा। और आप जैसे आपने फोल्ड कर दिया तो आप पूरा खोल दो, ये लाइन रहने दो, और ये लाइन पे ये वाला कॉर्नर पकड़ो, एक पेपर का एक कॉर्नर पकड़ो, और यहाँ बीच में ले आओ इसको, इस कॉर्नर को इस बीच वाली सेंटर वाली लाइन से जॉइन कर दो, देखो ऐसे, और फिर इसे यहाँ पे भी ऐसे कर देना, ठीक है यार। और सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करना है, ये इस कॉर्नर से लेके ये बिटवीन सेंटर वाली लाइन तक उसे फेस करना है, और हो गया, और जॉइन कर देना है। तो हमारा ये वाला प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ, स्टेप वन। और फिर आपको वो फोल्ड करना है, यहाँ ये वाला लाइन हमें ऐसे पकड़ना है, और इस सेंटर वाले लाइन को लाइन से जॉइन कर देना है, ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे हुआ था। अब यहाँ से आपने लाइन कर, यहाँ से पकड़ना है और इस सेंटर वाली लाइन से जॉइन कर देना है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस फिर से वही होगा यहाँ पे, कि इधर ऐसे कर दोगे, देखो है ना, हो गया ना, ऐसा बन जाएगा आपका। अब आप क्या करना है, पीछे से फोल्ड करना, आगे से भी कर सकते हो, बट आगे से नहीं, चांसेस है ज़्यादा पीछे से करना, ठीक है। जैसे ऐसे किया आपने, अब ऐसे किया, अब इधर इधर फेस करना, इधर नहीं करना, ठीक है, इधर करना, और फिर इधर फोल्ड कर देना बीच वाली सेंटर वाली लाइन से। अरे बहुत टाइट लगेगा आपको, बट करना ऐसे है, ठीक है, ऐसे किया, और फिर वही इधर भी करना है, ऐसे कर लेना है, फोल्ड कर देना है इस पीसेस को, ठीक है। फिर अब खोल देना है ऐसे, अब इसको ऐसे खोलना है, यहाँ पे जो है ना ये ऐसे खोलना है, और फिर इस स्क्वायर को, इस सरफेस को, उधर सरफेस के लिए लाने के लिए हमें इधर लाइन खींच देनी है, लाइन खींचनी नहीं है इसको, ये जो लाइन आपको दिख रही होगी उस समय, दिखती होगी तो उसी डायरेक्शन, मतलब उसी लाइन के द्वारा हमें यहाँ पे रखना हुआ है, ठीक है, रखना है, और फिर आपका ऐसा हो जाएगा,
फिर इसको फोल्ड कर देना। फिर से दिखाता हूँ अगला वाला भी करना है। अब आपको क्या करना है कि ऐसा हो जाएगा आपका, तो अब इसको इधर वापस उसी पोजीशन में लाना है जैसे कि वो करंट पोजीशन में थी पहले, ठीक है। अब इसमें ऐसे किया था और इसको भी खोल दो और इसमें यहाँ से लो और यहाँ से लेके इधर सेंट्रल वाली लाइन पे आ जाओ और इस लाइन को देख के आप इसी लाइन को करते हैं ऐसे वो फोल्ड कर सकते हो ताकि आपकी ये वाली सरफेस ज़्यादा बने, अच्छे से बने। मतलब देखो ऐसे ये वाला ज़्यादा अच्छे से बने, ताकि कैसे बनेगा अगर आप ये लाइन के ये लाइन को देखो और इसी लाइन के से प्रोसेस से इसे लाइन इस पेपर को जोड़ दो। हाँ और ऐसा हो गया, वापस उधर कर दो। अरे यार हो गया। अब ये पूरा प्रोसेस तो वैसे कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इधर से ऐसे फोल्ड करना है, ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, इधर तक इधर से करना है। मतलब कैसे जानोगे कि इधर तक करना है उधर तक नहीं करना है, जैसे ये आएगा, ये वाला पॉइंटर आएगा, जैसे आप ऊपर कर रहे हो तो ये कुछ इतना हिंट दे देगा कि इतना ऊपर आ चुका है। देखो ऐसा दिखाएगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे कर लेना है और इसे फोल्ड कर देना है। हो गया। अब आपको पीछे की तरफ जाना है, ऐसा हो जाएगा आपका, ऐसा दिखेगा। तो अब आपको इधर ये वाला जो पॉइंट है इधर लाओगे, अब ये ऐसा हो जाएगा और इसको इस कॉर्नर को यहाँ बीच वाली सेंटर वाली लाइन से जॉइन कर देना है और फिर बाद में दोनों इधर ले आना। मतलब जैसे इधर लाया एक, फिर दूसरा इधर लाया, बस। हाँ अब आपको क्या करना है, फिर से वही करना है, इस वाले कॉर्नर को सेंटर वाली लाइन से जॉइन कर देना है और अब आपको खोल दो, इसे खोल दो, ठीक है। अरे एक मिनट, ओके ऐसे, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका। अब क्या करना है कि हमें इधर ऐसे शुरिकन बनाने के लिए थोड़ा उसे शेप देना पड़ेगा, तो शेप देने के लिए हमें ये अब ज़रूर करना है, ठीक है। तो इसलिए कर रहा हूँ, तो अभी मैंने ऐसे किया, इसको इस कॉर्नर से ये बीच वाली सेंटर वाली लाइन से जॉइन कर दो, ऐसे हो जाएगा। ओहो ज़्यादा फोल्ड कर दिया मैंने, हाँ ऐसे हो जाएगा। अब ऐसी सेम प्रोसेस उधर वाली साइड में भी करना है, अदर साइड में ऐसे इधर सेंटर वाली लाइन में आओ और फिर ऐसे हो गया, ये देखो ये रहा, ऐसा हो गया। और एक और बार आपको ये फोल्ड करना है, बट अब आपको क्या करना है, फोल्ड करने के लिए एक और बार इसको पूरा इधर कर दो, ये वाला रहने दो, ये जो आपने इधर खींची थी ये रहने दो और फिर इसे और फोल्ड करो, ऐसे कर दो, फिर इधर ऐसे कर दो, हो गया। इस सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, इधर एक और बार फोल्ड करो ऐसे करके, ऐसे करके करना और फिर आप ऐसे कर देना है। तो हमारा ये वाला प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ, स्टेप कंप्लीट हुआ। अब और एक और स्टेप है, एक है तीसरा स्टेप है कि इधर आपको इधर लाइन में सेंटर लाइन तो नहीं बनी इसमें, बट आपको इसके इससे पहचानना है कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे आपको इधर से जैसे बन जाएगा, जैसे इधर है ये है, इसको ऐसे फोल्ड करना है बीच वाली लाइन से, कैसे बीच वाली लाइन तो बनी नहीं है, इसके इससे आप पहचान लोगे कि बीच वाली लाइन है, ठीक है। इसके हेल्प से आप इसे वो फोल्ड कर सकते हैं, देखो ऐसा दिखेगा आपका। हाँ और एक और बार फोल्ड कर रहा है आपको ये जो पार्ट है ना, जैसे आपने इसमें भी एक और बार फोल्ड किया था, वैसे इसमें भी एक और बार फोल्ड कर देंगे, ऐसे कर दिया, ओके। अब दूसरा वाला भी ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दिया, ओके। तो ओके हाँ, तो गाइस हमारा ये वाला तो कंप्लीट हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, यहाँ से कहीं से भी कर सकते हो, बट इतना लो, इतना ऊपर लेवल पे भी नहीं, इतना नीचे लेवल पे भी नहीं, एकदम अच्छे से एक लेवल पे आप कर सकते हो। और हमारा एक शुरिकन तो बन चुका है, और बट एक शुरिकन से काम नहीं चलेगा, हम दूसरे शुरिकन
और शुरिकन बनानी है और फिर हमें फिर उसे ज्वाइन करना होगा, ठीक है? तो बहुत टाइम लगेगा, चलो ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं। सो गाइस, हमारी शुरिकन बन के तैयार है। देखो देखो गाइस, देखो हमारी दो शुरिकन और ये हमारी आखिरी दो शुरिकन। तो हमारे पास टोटल चार शुरिकन हो गई, पर हमें ये जानना है कि हमारा ये कैसे बनेगा। शुरिकन का हमें शुरिकन तो बना दी, बट हमें ये बीच वाले पार्ट का कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो सबसे पहले गाइस, हमें एक दो शुरिकन से क्या कहते हैं पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले एक शुरिकन को अब ऐसे रखो और ऐसा रहना चाहिए, ठीक है? फोल्ड करना पड़ेगा और ऐसा करना चाहिए, और दूसरे शुरिकन को ऐसे रखो और इसके नीचे रखो ऐसे इस ओके हाँ, तो ऐसे रखना है आपको शुरिकन को, ठीक है? मिनट गाइस, ओके ओके सही है। ओके तो अब दूसरे शुरिकन को इधर रखा। अब आपको क्या करना है, अब इस एक शुरिकन को और लेना है। एक शुरिकन को लिया और इस शुरिकन को ऐसे रखना है और इसके नीचे अब रखना है, ठीक है? इसको ऐसे ओके तो हाँ सेट। अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे फिक्स हो गई, इधर आया और इधर आया, ठीक है? ऐसे फिक्स होगा। अब नेक्स्ट शुरिकन को किधर रखना है, आप देखना है। नेक्स्ट शुरिकन को इधर रखना है, तो इसका मैं फोल्ड कर लेता हूँ। एक शुरिकन आ गई, अब इधर इधर इस शुरिकन को एक इस जगह पे लगा दूंगा ऐसे। आ गई शुरिकन। अब इसको कैसे ज्वाइन करेंगे हम बताओ। इसको हम ज्वाइन करेंगे एक और देखो, इसको इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, देखो। तो गाइस मैंने शायद गलत कर दिया, हाँ सो गाइस मैंने सही किया था। मैंने क्या किया था, इस वाली शुरिकन को इसके नीचे, ये वाली शुरिकन के नीचे लाना था, और अब मैं इसे जोड़ दूंगा फेविकॉल से। फेविकॉल से कैसे जोड़ना है देखो, जैसे इधर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब मुझे यहाँ ग्लू लगाना है। एक तो ये शुरिकन इधर लगाया इधर, और अब मैं इधर लगाऊंगा, ऐसे लग गया से लग गया। अब क्या करना है, इधर थोड़ा सा और ग्लू लगा देता हूँ। ओके तो अब मुझे इधर ऐसे लगाना है और फिर इधर ऐसे लगाना है, इधर ग्लू 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 लगाया और ग्लू लगा लेते हैं थोड़ा। ओके चिपक नहीं रहा है क्या यार, वैसे हार्ड चीज़ तो इतनी जल्दी चिपक नहीं सकती ग्लू से, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसमें चिपकने में, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगता है इसमें चिपकने में। अब बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं इसको चिपका रहा हूँ, तब तक आप मज़ा लीजिए वीडियो का। तो अब मैं इधर इसको इधर चिपका दूंगा ऐसे 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 किया, इसको ऐसे चिपका दिया ऐसे, और ये ऐसे करके, और ये ऐसे करके हाथ में भी ग्लू लग गया। हाँ अब मुझे चौथा शुरिकन जोड़ना है। जैसे कि हमें इधर जोड़ना था ऐसे शुरिकन को, तो हम इधर भी ग्लू लगा देंगे, तो इधर ग्लू लगा देंगे, इधर थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे, और हमारा शुरिकन तो लगभग बन गया। बस इसे वो कहते हैं सूखने की बारी है, तो अभी बन ही जाएगा। अब तो बन ही गया समझो, ओके। सो अब हमारा बस जस्ट बन ही गया समझो, बन ही गया। तो ये ऐसे किया और बस हो गया। तो गाइस हमारा
शुरिकेन का पूरा एक पीस हमारा बन गया है, मतलब खतरनाक पीस। देखो कैसे ये है, कैसा है ये। और अगर इसमें मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे यहाँ पे भी जोड़ना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पीस लूँगा पेपर का और उसे इस पे जोड़ लूँगा। जैसे कि मैं एक पीस ले रहा हूँ पेपर का, जैसे मैंने लिया एक पीस, ओके तो मैंने ले लिया। अब इसको एक स्क्वायर में काटूँगा ऐसे स्क्वायर में किया, और अब इससे जोड़ के, ये ज़्यादा लंबा हो गया, इसको ऐसे जोड़ूँगा। हाँ ये ठीक रहेगा, नहीं नहीं ये थोड़ा सा और लंबा हो गया, ये ओ गए, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे, तो अब यहाँ पे लग गया अभी ऐसे ग्लू। ओके तो ग्लू लग गया है, और सब, और वीडियो भी इसी के साथ ख़त्म। मैं इंट्रो कर रहा हूँ, ख़त्म करने का, आउट्रो सॉरी का, आउट्रो कर सकता हूँ। अब क्या करना है, अरे हाँ, सो गाइस आज का हमारा ये सॉल्व हो चुका है, और शुरिकेन का पार्ट वन कंप्लीट, और शुरिकेन का पार्ट टू भी लाऊंगा, जिसमें अलग तरीके से निंजा वाला वो बनाता है, मतलब बनाता है शुरिकेन, और मैं वो वाली वीडियो भी डाल दूँगा। और जैसे कि आप देख सकते हो भाई, बहुत अच्छा लग रही, देखो तो मैं इधर ऊपर कर दिखा, तो देखो ऐसे करके मारते हैं। एक ये तो पहला वाला था, एक ये पहला वाला था, इसका ग्लू सूख गया है अब, ठीक है, ये दो है, ये एक है और ये दूसरा, ये अच्छा लग रहा है जो मैंने बनाया, उससे देखा जाए तो ऐसे फेंकते हैं। तो गाइस हमारा वो शुरिकेन तो बन गया, बट ये जापान का शुरिकेन का साइन भी देख लो ना, शुरिकेन बहुत ज़्यादा जापान में फेमस भी हुआ करता था, और पहले ज़माने में इसका साइन ऐसा होता था, देखो ऐसे ही होता था, एक शुरिकेन ऐसे रखती है और एक शुरिकेन टेढ़ी रखती। और तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देगा, करिएगा।